Hello and good morning all of you. Welcome to Alpha Science Academy and we are the lecture number 17 of the Science and Tech series. तो आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 5G के बारे में. ठीक है, पूरी राम कहानी नोट्स में लिखी हुई है. मेन मेन पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि छोटे छोटे लेक्चर बनाइए और हमारा भी उद्देश्य यही है कि आपको हम छोटे छोटे लेक्चर दें, छोटी छोटी नॉलेज दें. ठीक है, तो भैया इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की हम बात कर रहे थे, तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल सब AI की बात कर रहे हैं कि भैया AI क्या है. देखो, AI क्या है, जो आप सोच रहे हो, जो कॉग्निटिवली आप काम कर रहे हो उसको जो है कंप्यूटर काम कर ले रहा है आपका. ठीक है, तो क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ठीक है, मान लिया आपको घर में पोचा लगाना है. आजकल रोबोट्स आ रहे हैं, वो होते लाइन टेक्नोलॉजी में हैं, बट देन वो किसका एग्जांपल है, आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का. ठीक है, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी दो फील्ड्स आती हैं, एक आती है आपकी मशीन लर्निंग, एक आती है आपकी डीप लर्निंग. ठीक है, अब ये दोनों में क्या अंतर है, ये दोनों ही पार्ट जो है किसके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के. ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एनी मशीन टू थिंक, सोचने की क्षमता, परसीव करने की, कि आप उसको कैसे लेते हैं, लर्निंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग लाइक अ ह्यूमन, ह्यूमन की तरह काम करते हैं. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. दो फील्ड्स हो गई, एक आपका मशीन लर्निंग, एक हो गया आपका डीप लर्निंग. दोनों में फर्क क्या है, दोनों में कुछ फर्क नहीं है, दोनों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड है. मशीन लर्निंग में क्या होता है भैया, इतना डाटा आ रहा है, इतना डाटा आ रहा है. मान लिया मैं देखता हूँ कि एक रोड पर डेली मेरे पास डाटा आता है कि कभी 50 गाड़ी जा रही है, कभी 80 गाड़ी जा रही है, कभी 90 गाड़ी जा रही है, कभी 100 गाड़ी जा रही है, लेकिन 100 गाड़ी से ऊपर कभी उस रोड पर नहीं गई और 50 से कभी नहीं गई. तो अब ऐसी स्टडी करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो हमने क्या बना दिए, एल्गोरिदम्स बना दिए. एल्गोरिदम्स की मदद से जो होता है, कंप्यूटर खुद ही लर्न करता रहता है, सेल्फ लर्न करता है, इसीलिए इसको मशीन लर्निंग बोलते हैं. कि वो जो है डेटा सेट्स को आइडेंटिफाई करता है, उनके अंदर जो पैटर्न्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई करता है और आपको एक रिजल्ट देता है, या आपको एक कॉन्सिक्वेंस या कोई भी चीज आउटकम देता है. ठीक है, इस विदाउट इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन होता है, क्योंकि आपको डाटा वाटा तो फीड करना ही पड़ेगा ना. ठीक है, अब मशीन लर्निंग के की भी आगे की दो हाथ आगे की चीज़ है डीप लर्निंग. पर डीप लर्निंग क्या होता है कि हमारे जो ब्रेन है उसके अंदर न्यूरल मैसेजिंग होती है, न्यूरॉन्स आपस में बात करते हैं. इसी को मिमिक करने के लिए आपने देखा है कोई एक्सपेरिमेंट चलता रहता है, वो बहुत सारे हेड में बहुत सारे वो लगा के रखते हैं गोले गोले से, बस वही डीप लर्निंग का एक पार्ट है. डीप लर्निंग में जो है हम कोशिश करते हैं कि जैसे हमारा माइंड वर्क करता है वैसे ही हमारा कंप्यूटर वर्क करे. बट देन मैं आपको दोबारा बता दूं, आपको जो है बड़ा ख्याल रखना है ये सब काम करते हुए, क्योंकि AI जो है हमारे विनाश का कारण भी बन सकता है. ठीक है, तो आगे बात करेंगे जब हम कंक्लूड करेंगे. ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है, बेनिफिट्स क्या है AI के. एक तो भी आपकी ग्रोथ बूस्ट करेगा. ठीक है भाई, एक नीति आयोग की रिपोर्ट थी, नीति आयोग की रिपोर्ट बोलती है कि अराउंड 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी देगा AI. आपके कंटेंट क्रिएटर्स हो गए, इतने सारे लोग आ गए, वो क्या करेंगे, वो सब आपको जॉब बना के देंगे, आपकी इकोनॉमी में बूस्ट करेंगे. ठीक है, देखो मेरा एक दोस्त था, बड़ी अच्छी बात बोलता था कि इमन्यू देखो टेक्नोलॉजिकल चेंज तो होना है नो, आइदर यू स्टे आउट ऑफ इट और यू बी पार्ट ऑफ इट. तो इट्स बेटर कि यू बी आर पार्ट ऑफ इट एंड यू शुड अंडरस्टैंड टेक्नोलॉजी एज अ अपकमिंग ब्यूरोक्रेट, एज अ अपकमिंग सिविल सर्वेंट, एज अ अपकमिंग एनीथिंग. In your life, you should always have a hang of things in the field of technology. Technology के बिना आजकल काम नहीं चल रहा है. जैसे आपको पढ़ना लिखना आना चाहिए, बोलना आना चाहिए, उसी प्रकार से टेक्नोलॉजी भी एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन बन चुका है आदमी को अपनी बात कहने का. और कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं. देखो ये डिटेल में सब कुछ लिखा हुआ है नोट्स में. ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज में आजकल आप देख रहे हो. देखो मैं तो हमेशा एग्जांपल देता हूँ जीरोडा, क्योंकि मेरे को तो बड़े अच्छे लगते हैं दोनों बंदे. ठीक है, उसके अलावा आपको ग्रो अप स्टॉक्स ये भी हैं. देखो जीरोडा ने क्या किया, जीरोडा ने फाइनेंशियल सर्विसेज को या ये इन पर्टिकुलर स्टॉक मार्केटिंग को कितना आसान बना दिया. लोग आज ऐप से खरीद बेच रहे हैं, अपने आप लोग अपना पैसा मैनेज कर रहे हैं. तो इससे ये क्या है, एक टाइप की इंपॉर्टेंस है AI की. उन्होंने बहुत ज़्यादा AI तो अभी इम्प्लॉय नहीं किया, बट देन बहुत सारी चीज़ें AI से ही चलती हैं वहाँ पे.
इतना डाटा आ रहा है, इतना सब कुछ आ रहा है, वो कैसे बताएंगे? वो ऐसा तो है नहीं कि उनके फाउंडर्स खुद बैठ के पढ़ रहे हैं हर एक डेटा सेट को और तब आपको बता रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, उनके कंप्यूटर्स एनालाइज करते हैं, उनके कंप्यूटर्स उनको बता देते हैं कि हाँ भैया ये है, उसके बाद वो जो रिजल्ट है आपको बता देते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे भाई? ऑटोमेशन बढ़ रहा है, ठीक है, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक मशीन्स आ रही है, फाइनेंशियल सर्विसेज, एनर्जी, लॉजिस्टिक्स, हर क्षेत्र में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है। साइंस एंड टेक आपका, सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट में कैसे करेंगे? देखो एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल हमने नोट्स में भी लिखा हुआ है वो, कि मान लीजिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत आपको जो है पिक्चर्स अपलोड करनी है, क्या करनी है? पिक्चर्स अपलोड करनी है, AI से वो उसको आप स्कैन भी कर सकते हैं। अभी खैर अभी ये प्रोविजन नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, देखो फ्यूचरिस्टिक सोचना है ना आपको, AI से स्कैन कर सकता है। AI क्या करेगा, आप एक पहले की पिक्चर लेंगे, एक बाद की पिक्चर लेंगे, दोनों अपलोड करेंगे, AI क्या कर लेगा, AI उसको देख लेगा, हाँ भाई ये सही है नहीं है। अगर जैसे आप इंश्योरेंस कंपनीज हैं, डिट्टो वगैरह हैं, वो क्या करते हैं, ठीक है, डिट्टो तो नहीं, अभी डिट्टो उसमें नहीं आया, बट देन जैसे आपके जो विराट कोहली है, कौन सी कंपनी का ऐड करते हैं वो, इंश्योरेंस कंपनी, तो एक बार मैंने उससे इंश्योरेंस कराया भी था, तो क्या करते हैं वो पिक्चर्स अपलोड करा देते हैं आपकी कार की, घर बैठे बैठे हम इंश्योरेंस करते हैं, तो उनका क्या है, वो AI से ही तो देख रहे हैं कि गाड़ी में कहाँ डेंट पड़ा हुआ है, कहाँ नहीं पड़ा हुआ है, ये क्या है, ये सब आपकी AI के रोल हैं या बेनिफिट्स हैं, कहाँ कहाँ इंप्लॉय कर सकते हैं, लॉ एनफोर्समेंट में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, यू नेम अ फील्ड एंड यू कैन इंप्लॉय द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बट देन उसके चैलेंजेस हैं, और इन पर्टिकुलर इंडिया में क्या चैलेंजेस है, एक तो हमारे पास एक्सपर्टीज नहीं है, हमारे इंजीनियर्स तो सारे बाहर चले जाते हैं, USA, UK, कोई सिंगापुर जा रहा है। भाई मैं आपको बताऊं कि मेरे भी जितने दोस्त हैं जो अच्छे अच्छे डेटा साइंटिस्ट हैं, अच्छे अच्छे जो बंदे कुछ कर सकते थे, वो सब के सब बाहर हैं, और उनकी गलती नहीं है, क्योंकि हम शायद एक माहौल प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं उनको, एक जो जीवन शैली उनको चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं, इसमें हमारी ही गलती है एज अ सोसाइटी भी, एज अ गवर्न, और उनको वो गवर्नेंस भी नहीं दे पा रहे हैं, उनको बाहर के देशों में मिलती है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट की दिक्कत है, हमको इम्प्लॉय करना पड़ेगा, उन्हें रोकना पड़ेगा, जो हमारा ब्रेन ड्रेन है उसको रोकना पड़ेगा, क्योंकि जब वो यहाँ रहेंगे तभी यहाँ काम काम होगा। ठीक है, वो बना इंडिया के लिए रहे हैं, लेकिन जो उनका प्रोडक्ट है वो इम्प्लीमेंट इंडिया में ही हो रहा है, बट देन वो प्रोडक्ट बना कौन रही है, बना भी वही रहे हैं, बट देन कंपनी कौन है, पैसा कौन कमा रही है आपकी, बाहर की कंपनी, तो उसको रोकना होगा। ठीक है, देन आपकी IPR रिजीम हमारी सही नहीं है अभी भी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, देखो यार ये सब न्यू फील्ड्स हैं, देखो टाइम लगता है इवॉल्व होने में, ठीक है, ऐसा नहीं कि आज IP की फील्ड है इंटरनेशनली और आप उसको लाके इंप्लीमेंट कर दें और कल से आप सोचने लगे सब IPR का पालन करने लगेंगे, एवरीथिंग टेक्स टाइम एंड लाइफ। ओके, डेटा रिलेटेड इश्यूज हैं, ब्रीच ऑफ प्राइवेसी हो जाती है, ठीक है, प्राइवेसी इश्यूज हैं, डेटा जो है सारा बाहर ही हो रहा है, इसलिए लोकलाइजेशन ऑफ डेटा की बात कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्राइवेसी की दिक्कत है, अवेयरनेस नहीं है लोगों में, और बहुत अवेयरनेस नहीं तो डिजिटल डिवाइड क्रिएट हो गया है, तो डिजिटल डिवाइड से क्या हो रहा है कि एक मजदूर है बेचारा 12 घंटे काम करता है, वो शाम को 500 रुपये कमाता है, एक व्यक्ति है 6 घंटे लैपटॉप पे काम करता है, कोडिंग करता है, वो दिन के 50,000 रुपये, या चलो ज़्यादा भावुक नहीं होते, 5,000 रुपये कमाता है, तो ये क्या है, ये एक टाइप का डिजिटल डिवाइड है, क्योंकि यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हैं, यहाँ पे लोग बहुत कम हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों को यहाँ से यहाँ लाना पड़ेगा, तभी एक बैलेंस क्रिएट होगा। ठीक है, अब एथिकल इश्यूज क्या हैं AI के? देखो एक तो बायसनेस कैसी है कि मान लिया मैं कोई कोड कर रहा हूँ कोई प्रोग्राम, और मेरे अंदर एक प्रेजाइज है कि ये ऐसे पर्टिकुलर दिखने वाले व्यक्ति को, अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ कि चलो पर्टिकुलर एग्जाम्पल लेना सही नहीं होगा, क्योंकि वो हो सकता है किसी व्यक्ति को पर्टेन कर जाए, बोल हो जाए, कोई भी एक्स व्यक्ति मान लीजिए आप, मेरे को वो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, तो मेरे मन में एक धारणा है कि भैया इस प्रकार के दिखने वाले व्यक्ति जो हैं बेकार होते हैं, तो मैंने एक मशीन बनाई, तो उसमें डाल दिया कि यार आपने जैसे ही इसको देखे आप अपने आप को लॉक, वो मशीन लॉकडाउन हो जाएगी, या वो मशीन आप पे अगर वो कोई डिफेंस सिस्टम है तो फायर करने लग जाएगी, तो एक बायसनेस की प्रॉब्लम आ सकती है, अकाउंटेबिलिटी की प्रॉब्लम है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, किसी का थॉट प्रोसेस किसी और का है, प्रोडक्ट कोई और बना रहा है, प्रोडक्ट मार्केट कोई और कर रहा है, प्रोडक्ट इंप्लीमेंट कोई और कर रहा है, तो कैसे आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स करेंगे उस चीज़ में? ठीक है, देन आपके सेफ्टी के इश्यूज हैं, जिसमें कि आपका प्राइवेसी का इशू आ जाता है, आपका डेटा का इशू आ जाता है, ठीक है, देन ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो ट्रांसपेरेंसी तो कहीं नहीं रहती है, अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी तो दो एक ऐसे कीवर्ड हैं कि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो ये दोनों तो लिख ही देना। देन सुपर इंटेलिजेंस एक प्रॉब्लम हो सकती है,
मतलब कि कंप्यूटर जो है हो सकता है उस एरिया में पहुंच जाए जहां उसे हमारी जरूरत ही ना पड़े, जहां उसे हमारी जरूरत ही ना पड़े, वो खुद ही इंप्रूव हो जाए। एंड दैट कुड यू नो इन कमिंग डेज और इन कमिंग टाइम दैट कुड प्रूव टू बी फेटल फॉर ह्यूमन रेस। ठीक है, दैट कुड प्रूव फेटल फॉर ह्यूमन रेस। अब व्हाट आर द स्टेप्स टेकन फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? कुछ स्टेप्स लिए जैसे हमने बजट 29-30 में, तो क्या करते हैं? सबसे पहले तो एक रिसर्च फॉर एक या तो कोई कमेटी बना देते हैं या फाउंडेशन बना देते हैं। तो एक हमने नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बना दी, ठीक है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बना दी, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बना दी विद एन एम टू कैटलाइज एनर्जाइज रिसर्च एंड इनोवेशन अक्रॉस द कंट्री। फिर एक और चीज बना दी हमने, एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना दिया। ठीक है, तो यार ये सब जो है लिखा हुआ है आपका। फिर एक था कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो इंश्योरेंस की सर्वेइंग होगी उसमें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंप्लॉय करेंगे। ठीक है, ये सब जो है बेसिकली सम देर दीज आर सम स्टेप्स टेकन बाय दी गवर्नमेंट फॉर दी प्रमोशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वे फॉरवर्ड क्या है? देखो, वे फॉरवर्ड की पूरी कहानी जो आपको एग्जाम में लिखनी है वो तो नोट्स में लिखी हुई है, वहां से निकाल लेना। पर देन मैं आपको एक लाइन में उसका सार बनाता हूँ कि एआई जरूरी तो है, एआई को आप रोक नहीं सकते, बट देन एआई को आपको रेगुलेट करके रखना है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ बड़ा बड़ा, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो ह्यूमंस के लिए है, ह्यूमंस टेक्नोलॉजी के लिए नहीं है। हमेशा ये बात आप अपने दिमाग में रखिएगा कि टेक्नोलॉजी जो बनाई गई है वो हमने बनाई है, वो हमारे लिए है, हम उसके लिए नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग। अब बात करते हैं 5G टेक्नोलॉजी की। 5G टेक्नोलॉजी क्या है? 5G में जी क्या होता है? देखो, जनरेशन होता है सबसे बड़ी बात। तो आपको लगेगा ये क्या मजाक है, बट देन लोगों को नहीं पता होता। तो हमारे पास क्या था? पहले 1G था, तो उसमें एनालॉग टेक्नोलॉजी थी। 2G था, उसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी आई। 3G में वायरलेस कैपेबिलिटीज आई। 4G में फोन बिकेम कंप्यूटर्स। एंड 5G में अनपैरेलल लेटेंसी, मतलब लेटेंसी मतलब कि जितना सिग्नल लेटेंसी, मतलब कि उसकी सिग्नल पावर बहुत तेज है, डिले बहुत कम आता है। डिले इज़ वेरी वेरी स्लो इन 5G। तो 5G में कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है? हमेशा याद रखना OFDM। OFDM का मतलब होता है ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, ये होता क्या है? बड़ा खतरनाक सा वर्क है भाई। देखो, ये वो डिजिटल टेक्नोलॉजी है जिनमें कि सिग्नल्स के पास पावर होती है कि वो डिफरेंट चैनल्स में एक बारी में मॉड्यूलेट कर सकते हैं अपने आप को, जिससे कि इंटरफेरेंस कम होती है सिग्नल में, और सिग्नल जो है बड़े स्मूथ चलते हैं, जिससे कि बड़ी अच्छी स्पीड आती है। और जब 5G स्पीड आएगी तो आपको जो 2 GB का डाटा पूरे दिन अभी देखते हो वो 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। ये मैं आपको लिख के देता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली, और क्योंकि जब 5G में जो स्पीड्स आ रही है वो 2 GB 20 GBPS तक है, गीगाबाइट्स, तो देख लो आप। ठीक है, तो 5G का इस्तेमाल ना कर सकते हो आप। देखो, हेल्थ केयर, स्मार्ट सिटीज, ट्रांसपोर्ट, ये सब तो है ही है। ठीक है, इकोनॉमी को बूस्ट करने में, ठीक है, आपका जो अब जो आपका डिजिटल क्रिएटर है, मान लिया मैं ये चैनल बना रहा हूँ, अब ये 1-1 GB की वीडियोज रहती हैं। ठीक है, 1 GB की वीडियोज अपलोड होने में, डाउनलोड करना है उसको, एडिट करना है, एडिट करके मेरे को डालना है, तो ये क्या है? इसलिए मुझे नेट चाहिए, और मतलब अनलिमिटेड नेट चाहिए और अच्छी स्पीड चाहिए, तभी मैं काम कर पाऊंगा। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि 5G आए, इकोनॉमी बूस्ट करेगा। इनफैक्ट जो हम लोग हैं कंटेंट क्रिएटर्स, ऐप डेवलपर्स, हमारे भाई कंज्यूमर्स, ऑपरेटर्स, OEMs, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर जिसको बोलते हैं, ये सब मिलके जो है लगभग लगभग 22.3 मिलियन जॉब्स क्रिएट करेंगे। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये एक रिपोर्ट बोलती है। ठीक है, और लगभग लगभग 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी जनरेट कर सकते हैं हम सिर्फ 5G का इस्तेमाल करके। तो देख रहे हैं आप कि टेक्नोलॉजी कितनी ज़बरदस्त है, कितनी ज़रूरी है। लेकिन टेक्नोलॉजिकल चेंजेस तो हमेशा रहेंगे इंडिया में। तो सबसे बड़ी बात भैया स्पेक्ट्रम की अवेलेबिलिटी। अभी अभी आपने देखा होगा कि इसका स्पेक्ट्रम बिका भी है, ठीक है, जिसके लिए कि काफ़ी चर्चा में रहा हो कि भैया 4G के लिए तो आपने बोला कि 2.5 लाख करोड़ का नुकसान हो गया और ये बिका ही 1.5 लाख करोड़ का। तो ऐसा क्या था 4G में जो 5G में नहीं है? ठीक है, तो
वाली है ना आजकल, ऐसा क्या है इसमें जो मेरे में नहीं है, ठीक है, वो चक देनी हमें एक डायलॉग है। तो 5G आजकल 4G से वैसे ही बोल रहा है, ठीक है, कि ऐसा क्या है इसमें जो मेरे में नहीं है, कि 4G में जितने का तुमने स्कैम दिखाया उतने का तो मैं उससे तो कम में मैं भी बिकाऊँ, जबकि मेरी स्पीड भी अच्छी है, ठीक है। खैर मैं आपकी बात अलग। तो टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस में क्या है कि आपकी एक तो स्पेक्ट्रम की अवेलेबिलिटी नहीं है, बहुत कम है, ठीक है। देखो सबसे प्रॉब्लम जो आती है ना चैलेंज, मैं आपको बताता हूँ कि 5G काम कैसे करता है। इसमें एक तो टावर जो होते हैं बहुत पास पास लगने चाहिए, बहुत लॉन्ग रेंज नहीं होती है इसकी, और ये आपस में कनेक्टेड होने चाहिए वाया फाइबर, इसलिए फाइबराइजेशन की बात चलती है कि फाइबराइजेशन करना है हमें टावर्स का, तभी जो है हम 5G को इम्प्लीमेंट कर देंगे। बड़े घने लगते हैं इसमें टावर जो होते हैं, तो वो एक टेक्नोलॉजिकल है। फिर हमारे पास इक्विपमेंट नहीं होता, सब कुछ तो हमें बाहर से लेके आना पड़ता है, तो OEM हमें करने हैं, कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर चाहिए हमें, ठीक है। तो OEM हमें जनरेट करने हैं, ठीक है। फिर देन भैया ये सब करना है तो फिनेंस चाहिए, पैसा चाहिए, तो फिनेंशियल चैलेंज है एक, कैपिटल लानी है आपको, इन्वेस्टमेंट करनी है। देन इंफ्रास्ट्रक्चर का एक चैलेंज है कि भैया आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, जो ये मैंने आपको टावर्स की बात करी। देन आपके प्राइवेसी कंसर्न्स हैं, डिजिटल डिवाइड है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब जो है सरकार ने कुछ प्रोग्राम स्टार्ट किए, तो फर्स्ट मैंने आपको बताया था, या तो कमेटी बना देते हैं या कुछ बना देते हैं। तो एक 5G हाई लेवल फोरम बना दिया हमने, ठीक है। फिर पिछले जैसे हमने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना दिया था आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी के लिए, इसमें हमने एक प्रोग्राम बना दिया, उस प्रोग्राम को हमने नाम दे दिया एंड टू एंड 5G टेस्ट बेड, ठीक है। तो बेसिकली, और अगर आप जाएंगे वहाँ पे तो और भी आपको मिलेगा। तो बात सारी क्या है कि आपको जो है 5G, तो एक तो टेक्नोलॉजी के बारे में समझना है कि वो टेक्नोलॉजी है क्या, वहाँ आपका प्रीलिम्स खत्म हो गया। मेंस के लिए आपको एक तो ये देखना है कि 5G इम्प्लीमेंट कैसे होगा, उसके चैलेंजेस क्या हैं हमारे देश में, क्योंकि इन पर्टिकुलर इंडिया के बारे में लिखना है चैलेंजेस, तो देश में क्या चैलेंजेस हैं उसको आप सॉर्ट आउट कैसे करेंगे, और वे फॉरवर्ड क्या है, ठीक है। वे फॉरवर्ड जरूर लिखना। तो वे फॉरवर्ड में आप कभी ये नहीं बोल सकते भैया 5G लगाओ मत, बहुत खर्चा है इसमें, ठीक है। और उसमें क्या करेंगे कि भैया जो हमारे OEM है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, उन्हें बढ़ावा देंगे, मेड फॉर लोकल करेंगे, जितना भी डाटा सेंटर है उसको लोकलाइज करेंगे, लोकलाइजेशन ऑफ डाटा करेंगे, ठीक है। ग्लोबल हार्मोनाइज स्पेक्ट्रम लाएंगे, जो हमारे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स या ग्लोबल हार्मनी में हो, ठीक है। जैसे आपका कस्टम्स में होता है ना कि 7 नंबर का कोड होगा तो हर दुनिया में 7 नंबर का कोड होगा, वैसे ही स्पेक्ट्रम में भी आप हार्मोनाइजेशन ला सकते हैं, डेटा सेंटर्स को सिक्योर कर सकते हैं, ट्रायल्स कर सकते हैं पहले 5G के, और उसकी टेस्टिंग होनी चाहिए प्रॉपर, एंड उसका तब आराम आराम से रोल आउट होना चाहिए। इनफैक्ट 5G का रोल आउट स्टार्ट हो चुका है। तो दैट इज़ फॉर ऑल टुडे। आज हम थैंक यू वाली स्लाइड लगाना भूल गए, तो मैं आपके लिए लिख देता हूँ, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे, आई विश यू अ वेरी हैप्पी डे, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, खुश रहिए। कोई भी डाउट हो हमारे से पूछिए, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8630711706 पे, या आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए और हम आप तक ज़रूर पहुँचेंगे, ये हमारा वादा है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।